आज हम बांग्लादेश के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री देखने वाले हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है बांग्लादेश की ऊपर, एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, बांग्लादेश के सारे हालात के ऊपर बात की जा रही है, बांग्लादेश के फैक्ट्स वगैरह हो, चाहे बांग्लादेश के किसके साथ बॉर्डर लगता है, चाहे बांग्लादेश के अंदर कौन कौन सी फैक्ट्रियाज है, बांग्लादेश के कौन कौन से फूड अच्छे हैं, इन सब के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तानी यूट्यूबर ने बनाई है। तो हम इस डॉक्यूमेंट्री को देखने वाले हैं। चलिए आज देखते हैं इस डॉक्यूमेंट्री को और आपके साथ शेयर करते हैं। यानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, चीन, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राज़ील के बाद अगर दुनिया में किसी मुल्क की ज़्यादा आबादी है तो वो मुल्क बांग्लादेश है। जनूबी एशिया में भारत के बाद अगर कोई दूसरी बड़ी मुआशी ताकत है तो वो बांग्लादेश है। दुनिया में मौजूद शहरी मुल्कों, यानी ऐसे मुल्क जो सिर्फ एक शहर या एक जजीरे पर आबाद हों, जिनमें बहरीन, मकाओ, मोनैको, माल्टा, हांगकांग और सिंगापुर जैसे मुल्क आते हैं, इनको अगर फहरिस्त से निकाल दिया जाए तो दुनिया का जो सबसे गुंजान आबाद मुल्क होगा वो बांग्लादेश होगा। दुनिया के बहुत ही कम मुल्क ऐसे हैं जहां एक साल के दौरानिए में 3 दफ़ा चावलों की फसल काश्त होती है। जो मुल्क साल में 3 दफ़ा चावल पैदा करने की सलाहियत रखते हैं वो मुल्क अपने रकबे के एतबार से काफ़ी बड़े हैं, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया और चीन। जबकि एक ऐसा मुल्क जिसका मुकम्मल रकबा 1,48,460 मरबा किलोमीटर हो और अपने रकबे के अतबार से वो दुनिया में 92 नंबर पर गिना जाता हो और इसमें से भी 18,290 मरबा किलोमीटर रकबे पर पानी फैला हो और साल में 3 बार चावल भी पैदा करे और दुनिया में चावल पैदा करने वाले मुल्कों में तीसरे बड़े मुल्क के तौर पर जाना जाता हो, इस मुल्क को कहते हैं बांग्लादेश। 1971 में आज़ादी के बाद मुल्की हालात बद से बदतर होते चले गए, यहाँ तक कि इनकी अपनी करंसी की भी कोई वैल्यू नहीं थी, तो यहाँ पाकिस्तानी रुपए पर बांग्लादेशी स्टैंप लगाकर करंसी को इस्तेमाल किया जाता रहा। कुछ अरसे के बाद भारतीय प्रिंटिंग प्रेस पर बांग्लादेशी टके छपने लगे तो सिक्योरिटी रिस्क की वजह से ये भी रोकना पड़ा। तो इसके बाद बांग्लादेशी टके प्रिंट करने का ठेका एक बरतानवी कंपनी को दिया गया, यानी बंगाली करंसी माजी में टके की भी नहीं थी, लेकिन आज इसके बरक्स हमारा पाकिस्तानी रुपया टके का भी नहीं है। इतनी बातें करने के बाद अब तो आप जान गए होंगे कि आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो हमारे आबाओ अजदाद के दौर में हमारे वतन का एक हिस्सा था। हम इस वीडियो में ना सिर्फ उस मुल्क बांग्लादेश की सैर करेंगे बल्कि उस मुल्क के बारे में बहुत सी ऐसी बातें जानेंगे जिनसे आप लोग आज से पहले नावाकिफ होंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए देखने वाले साथियों से मेरी गुजारिश है कि जानी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए 7 घंटी के निशान को लाजमी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की थी तो बांग्लादेश इस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे गरीब मुल्क था, लेकिन आज बांग्लादेश जनूबी एशिया की दूसरी जबकि एशिया की 10वीं सबसे बड़ी मुआशी ताकत है और पाकिस्तान का इस फहरिस्त में नंबर 17वां है। पाकिस्तान कैसे टूटा, बांग्लादेश कैसे वजूद में आया, ये एक तारीख का ऐसा पहलू है जिस पर मैं खुलकर बात नहीं करना चाहता। अलबत्ता बांग्लादेश के माजी की मुख्तसर सी तारीख आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में इंसानी आबादकारी के 20,000 साल पुराने आसार मिले हैं। ईसाइत से ज़्यादा ये मुल्क हिंदू मजहब के ज़्यादा करीब रहा है। 8वीं सदी ईस्वी में अरब ताजरों ने यहाँ अपनी तजारत और अपने इखलाक से मुकामियों को मुतासर किया और इस खित्ते में इस्लाम के पैरोकार दिन ब दिन बढ़ते चले गए। 1757 की जंगे पलासी में बंगाल के नवाब नवाब सिराजुद्दौला की क्यादत में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी बरतानवियों के साथ मुकाबला किया। इस जंग में हारने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि अंदरूनी हमदर्दियाँ बरतानियों की तरफ हो चुकी थीं। ये वही जंग थी जिस जंग में मीर जाफर, जो नवाब सिराजुद्दौला की फौज का सिपा सलार था, इसने इस जंग में गलत हिकमत अमली की वजह से नवाब को हरवाया था, जिसके बाद मीर जाफर को बंगाल का तख्त दे दिया गया था। अंग्रेजों के बाद ये इलाका 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। कुछ बंगाल के हिस्से पर हिंदू अक्सरियत होने की वजह से ये इलाका हिंदुस्तान का हिस्सा करार पाया जबकि दूसरा हिस्सा मशरकी पाकिस्तान कहलाया।
और फिर पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश आजाद हुआ पाकिस्तान की गुलामी से। और यहीं पर हम तारीख को दफन कर देते हैं, क्योंकि हम जितना इसको खरोचेंगे जख्म तो खुद पर लगेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में अगर दिलचस्प हकाई की बात की जाए तो ये मुल्क 91% मुस्लिम आबादी के साथ मुस्लिम दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश में अगर इस्लाम के बाद कोई दूसरा बड़ा मजहब है तो वो हिंदुइज्म है, जबकि बुद्ध और मसीही आबादी इस मुल्क में ना होने के बराबर है, यानी इनकी तादाद सिर्फ 1% है। 16,51,00,000 अफराद की आबादी के साथ बांग्लादेश इस वक्त पूरी दुनिया में आबादी के हवाले से 8वें बड़े मुल्क के तौर पर जाना जाता है। मुल्क की सरकारी जुबान बंगाली है। बंगाली ना सिर्फ मुल्क की सरकारी जुबान है बल्कि 98% आबादी की मादरी जुबान भी बंगाली ही है। बंगाली के अलावा इस मुल्क में बर्मीज और उर्दू दो काबिले जिक्र जुबानें हैं। जिस तरह कराची में बसे बंगाली स्पीकर को बंगाली कहा जाता है, इसी तरह बांग्लादेश में बसे उर्दू स्पीकर को पाकिस्तानी कहा जाता है। बरे सगीर के शुमाल मशरिक में वाके इस्लामी आबादी का हामल ये मुल्क सेकुलर है। मुल्क का सरकारी नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, जिसका मतलब है बंगाल में बसने वाले लोगों की सरजमीन। बांग्लादेश की सरकारी करंसी टका है। इनका एक टका आज की तारीख में 2.60 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर माना जाता है। पाकिस्तानियों को जिस तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इंडिया का वीज़ा लेना मुश्किल समझा जाता है, इसी तरह बांग्लादेश का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुश्किल तरीन वीज़ा तसव्वुर किया जाता है। लेकिन अगर आपका बांग्लादेश में कोई खूनी रिश्ता मौजूद है तो ये इंतहाई आसान है, जबकि बंगालियों के लिए पाकिस्तान का वीज़ा लेना इतना मुश्किल नहीं है। बांग्लादेशी पाकिस्तान का ई वीज़ा आसानी से घर बैठे खुद अप्लाई करके ले सकते हैं। सबज और सुरख रंग पर मुश्तमिल बांग्लादेश का परचम दो चीज़ों को जाहिर करता है। परचम में लगा सबज रंग यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत की निशानी है, जबकि इसी परचम के दरमियान में सुरख दायरा उस खून की याद दिलाता है जो बंगालियों ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करते वक्त बहाया था। दोस्तों, बांग्लादेश अपनी हदूद सिर्फ दो मुल्कों के साथ साझी करता है, एक इंडिया से जो मुल्क के साथ लगभग 95% लैंड बॉर्डर साझा करता है, दूसरा म्यांमार यानी बर्मा से जो सिर्फ 5% लैंड बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है। मुल्क के मशरकी, शुमाली और मगरबी हिस्से पर इंडिया बसा हुआ है। जनूब मशरकी सिमत में बर्मा है और जनूब की तरफ इस मुल्क को खलीज बंगाल ने अपने घेरे में ले रखा है। ये मुल्क नेपाल, भूटान और चीन से अपनी हदूद तो साझी नहीं करता, अलबत्ता ये मुल्क बांग्लादेश इन मुल्कों के करीब तरीन समझा जाता है। बांग्लादेश नेपाल से महज 27 किलोमीटर, भूटान से महज 40 किलोमीटर और चीन से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर वाकया है। दोस्तों, बांग्लादेश इस वक्त दुनिया का 5वां गुंजान आबादी वाला मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश इस वक्त दुनिया में चावल की पैदावार में तीसरा, प्याज की पैदावार में 9वां, लहसुन की पैदावार में तीसरा, आलू की पैदावार में 7वां, गोभी की पैदावार में 9वां, कद्दू की पैदावार में 16वां, आम की पैदावार में 9वां, जबकि पपाया की पैदावार में 15वें नंबर पर गिना जाने वाला बड़ा मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश इस वक्त दुनिया का दूसरा बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री रखने वाला मुल्क है और 24वां बड़ा नमक की पैदावार वाला मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बढ़ने की एक वजह पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम भी है। चंद साल पहले जब पाकिस्तान में टेक्सटाइल सनत अपने आखिरी अयाम गिन रही थी तो बांग्लादेश ने इन्वेस्टर को टैक्स और बिजली के बिलों में छूट देकर अपने मुल्क खींच लिया था और सैकड़ों की तादाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से बांग्लादेश मुंतकिल हो गई थी, जिसका आज बांग्लादेश को फ़ायदा और पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बांग्लादेश में मुंतकिल होना एक तो कारोबारी हजरात को फ़ायदा दे रहा है, वहीं पर लाखों बंगालियों को रोज़गार भी मुहैया कर रहा है, जिससे बांग्लादेश की हुकूमत और आवाम दोनों खुश और खुशहाल हैं। बांग्लादेश इस वक्त दुनिया का 8वां बड़ा मोबाइल यूज़र वाला मुल्क, 9वां बड़ा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला मुल्क और 10वां सबसे ज़्यादा फेसबुक इस्तेमाल करने वाला मुल्क माना जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश दुनिया में पटसन की पैदावार के हवाले से दूसरे बड़े मुल्क के तौर पर गिना जाता है, जबकि पटसन की पैदावार में पहला नंबर आज भी भारत का आता है। लेकिन बांग्लादेश का शहर ढाका दुनिया में पटसन की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। यह ढाका शहर ना सिर्फ बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है बल्कि 1,02,00,000 अफराद की आबादी के साथ दुनिया का 7वां बड़ा आबादी वाला शहर भी माना जाता है। बांग्लादेश दुनिया में साइकिल रिक्शे के हवाले से सबसे पहले नंबर पर गिना जाता है।
बांग्लादेश के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर शहर में आपको और कुछ मिले ना मिले, लेकिन हर तरफ सड़कों पर दौड़ते साइकिल रिक्शे ज़रूर मिलेंगे। बंगाली कौम दुनिया की मेहनती तरीन कौमों में से एक कौम मानी जाती है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, ये लोग अपनी मेहनत से अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। आप अरब दुनिया को देख लें या यूरोप को, बंगाली लोग आपको एक काम करते सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे, जिस काम की वजह से पाकिस्तानियों की इज्जत जाती है, और वो काम है सड़कों की सफाई करने का। दोस्तों, दुनिया के दूसरे मुल्कों में काम करके पैसे अपने मुल्क भेजने में पहले नंबर पर भारतीय लोग आते हैं, दूसरे नंबर पर चीनी, जबकि पाकिस्तानी इस फहरिस्त में सातवें और बांग्लादेशी आठवें नंबर पर गिने जाते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में एक साल के दौरान लगभग 28 लाख गैर मुल्की टूरिज्म की गर्ज से दाखिल होते हैं, जिनसे बांग्लादेश मिलियन ऑफ डॉलर कमा रहा है। टूरिज्म इंडस्ट्री बांग्लादेश की कुल मुल्की पैदावार का 3% मानी जाती है। प्लस 880 इस मुल्क का कॉलिंग कोड है और .bd इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। दोस्तों, बांग्लादेश में कमोबेश 700 छोटे बड़े दरिया बहते हैं। दुनिया में सबसे गुंजान दरियाओं वाला मुल्क भी ये मुल्क बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर सड़क नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। इन इलाकों को एक दूसरे के साथ इन्हीं दरियाओं ने जोड़ा हुआ है, जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह कश्तियां और कारों की जगह प्राइवेट कश्तियां चलती हैं। बांग्लादेश दुनिया का 10वां बड़ा मछली की पैदावार करने वाला मुल्क माना जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक बांग्लादेश के 1,17,00,000 अफराद का रोजगार मछली पकड़कर बेचने के शोबे से मुंसलिक है। दोस्तों, जैक फ्रूट को बांग्लादेश का कौमी फल होने का एजाज हासिल है। दुनिया में जैक फ्रूट की पैदावार में भारत पहले नंबर पर और बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। रॉयल बंगाल टाइगर को बांग्लादेश का कौमी जानवर होने का एजाज हासिल है। आम का पेड़ बांग्लादेश का कौमी दरख्त होने का एजाज रखता है। मैगफी रॉबन नामी चिड़िया बांग्लादेश का कौमी परिंदा तसव्वुर की जाती है। वाटर लिली के फूल को इस मुल्क का कौमी फूल माना जाता है। कबड्डी बांग्लादेश का कौमी खेल है, जबकि इस मुल्क की सबसे मकबूल खेल का दर्जा क्रिकेट को हासिल है, जबकि फुटबॉल, बैडमिंटन और हॉकी दीगर खेली जाने वाली खेलें हैं। बांग्लादेश के शहर ढाका को दुनिया में मस्जिदों का शहर माना जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक शहर में कुल मस्जिदों की तादाद 6,000 से भी ज़ायद हो चुकी है, जबकि सरकारी सतह पर रजिस्टर्ड मसाजिद की तादाद लगभग 6,000 है। दोस्तों, चीन और जर्मनी के बाद बांग्लादेश इस वक्त दुनिया का तीसरा बड़ा रेडीमेड गारमेंट्स की प्रोडक्शन वाला मुल्क माना जाता है। दोस्तों, एक वक्त था जब बांग्लादेश IT की एक्सपोर्ट में अपना कोई खास मुकाम नहीं रखता था। आज फ्रीलांसर वर्ल्ड में बांग्लादेश अपनी अहमियत बना चुका है। फ्रीलांसरों को काम देने वाली मशहूर वेबसाइट में जब लोग ऑर्डर देते हैं तो साथ में ये मेंशन करते हैं कि बांग्लादेशी फ्रीलांसर को फोकियत दी जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसी कौम है जो कम पैसों में मेहनत तलब काम पकड़कर तब तक करते रहते हैं जब तक गाहक मुतमिन नहीं हो जाता। बांग्लादेश में लगभग 15 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें 3 एयरपोर्ट इंटरनेशनल मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि इस मुल्क में 9 बंदरगाहें हैं जो बांग्लादेश से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का सामान एक दूसरे मुल्कों में ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बांग्लादेश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बीच रखने वाला मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश का कॉकॉस बाजार बीच ब्राज़ील के पेरियाडो कसिनो और ऑस्ट्रेलिया के 90 माइल बीच के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा बीच माना जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश दुनिया के उन मुल्कों में से एक है जहां 1, 2 या 4 नहीं बल्कि साल में 6 मौसम आते हैं। जैसे हमारे मौसम गर्मी, सर्दी, खजां और बहार के आते हैं, बांग्लादेश में 2 मौसम इजाफी हैं। एक देर से आने वाली खजां है और दूसरा मौसम मानसून का है। बांग्लादेश में तालीम की शरह अभी भी तरक्की के हवाले से कम है। इस वक्त बांग्लादेश में लिटरेसी रेट लगभग 75% के आसपास है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर लाजमी शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करते हुए हमें अपने राय से भी ज़रूर नवाजिएगा कि हमें अपनी वीडियोज़ में कौन से टॉपिक ज़ेरे बहस लाने चाहिए। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए मुल्क की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।
वीडियो आप लोगों ने देखी, इस टाइम पे पाकिस्तान का मीडिया बांग्लादेश के बारे में बात कर रहा था, बांग्लादेश के ऊपर बात ये कर रहा था कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर लोग रहते हैं, उनके खाने पीने के रहन सहन के तरीके कैसे हैं, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, उनका बॉर्डर किसके साथ लगता है, बांग्लादेश के अंदर क्या क्या चीजें हैं, बांग्लादेश की फैक्ट्रीज वगैरह। देखिए पाकिस्तान के और बांग्लादेश के हालात बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इंडिया पाकिस्तान एक जैसा था, एक था, वैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान भी एक था, बट हालात के नजर होते हुए और बाकी चीजों को देखते हुए दोनों मुल्क अलग हो गया। अलग होने के पीछे फिर बहुत सारी वजूहत थी और उसके बाद अब मुल्क बांग्लादेश इतना आगे जा चुका है कि पाकिस्तान को उसने पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान के अंदर उतनी तरक्की नहीं है जितनी तरक्की बांग्लादेश के अंदर है। ये तो आप सबको पता होगा कि बांग्लादेश के अंदर जितनी तरक्की हुई है वो उतनी तरक्की पाकिस्तान के अंदर नहीं है। पाकिस्तान उस तरीके से उतना आगे नहीं गया जितना बांग्लादेश गया है। बांग्लादेश ने अच्छी तरक्की की है। इन सारी चीजों को देख के पाकिस्तान ने जिस तरीके से इन सब चीजों को देख के पाकिस्तान की मीडिया ने इस टाइम पे बांग्लादेश के ऊपर बात की, बांग्लादेश के ऊपर इतना सब कुछ किया। इन सारी वजूहत को देख के, उन सारी चीजों को देख के पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट दिखाया, मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी करें।